अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शाह फैसल। रमज़ान के बाबरकत महीने में मां हुंदसि तव्हां सां गॾु। असीं सजाईंदासीं दस्तरखान तव्हां जे लाइ। रहमतन ऐं बरकतन भरे रमज़ान में अव्हां जे लाइ हूंदा अफ़्तार में लज़ीज़ खाधा। मशरूबात सां गॾु हूंदियूं चटपटे खाधनि जी तरकीबूं। मां हूंदुसि पूरो रमज़ान तव्हां सां गॾु अफ़्तार विद फैसल 4-5 ओनली ऑन सिंध टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल, तव्हां ॾिसो पिया अफ़्तार विद फैसल। उमीद आहे सभु ख़ैरियत सां हूंदा, तव्हांजा रोज़ा बि तमामु सुठा गुज़रंदा हूंदा ऐं सेकेंड अशरो हले पियो हिन इबादत जो आहे। अच्छा, अॼु जेको मां ठाहियां पियो पैसिफिक कुकिंग ऑयल सां गॾु ठहंदा आहिनि खाधा, वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर, कोलेस्ट्रोल खे कंदो आहे कंट्रोल, पंहिंजनि जो प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल। उन सां गॾु बनस्पति घी पराठा ठाहियो त बनस्पति घी में ठाहींदा कयो, तमामु बहितरीन आहे। पैसिफिक जो नेस्ले आहे, नेस्ले जो फुल क्रीम मिल्क आहे, मिल्क पैक आहे, उन सां गॾु दही आहे, ठीकु आहे। इहे तमामु बहितरीन आहे ऐं रमज़ान में असां दही जो इस्तेमालु ज़्यादा कंदा आहियूं, त पैसिफिक सां गॾु नेस्ले बि आहे त नेस्ले जो बि तव्हां यूज़ कयो, तमामु बहितरीन। ऐं खीर ख़ासिकर ॿारनि खे ॾींदा आहियूं फुल क्रीम मिल्क, हिन जो पाव वारो पैकेट बि मिले थो। अॼु बि मां हिकिड़ी रेसिपी ठाहींदुमि, हुन में फ्रेश क्रीम ऐं खीर जो इस्तेमालु कंदासीं, जेको नेस्ले जो मिल्क पैक आहे, ठीकु आहे। हुन सां गॾु विम आहे, विम जो तमामु बहितरीन इहे लिक्विड आहे, डिश वॉशर, ठीकु आहे, डिश वॉशिंग लिक्विड आहे, त जॾहिं तव्हां थां धोईंदा आहियो हिन जी इहा अगरि वठो था, तमामु बहितरीन आहे। हिकु प्याली में हिकु खाइण जो चमचो लिक्विड विझो, हुनखे मिक्स कयो, मिक्स करण खां पोइ हुनखे तव्हां थां धोई सघो था ऐं हिकु टाइम जा काफ़ी सारा थां, यानी ॿ टाइम ॿ खाइण जा चमचा तव्हां यूज़ करे सघो था। ऐं पूरी बोतल जेका आहे पूरो महीनो हले थी, ऐं हीअ जेको आहे रिफिल आहे, रिफिल मतिलबु जो पैकेट कटो, हिनखे भरंदा रहो ऐं बोतल तव्हां यूज़ कंदा रहो, ॿार बि हिननि जो तमामु बहितरीन आहे। जी ख़ालिद भाउ, अच्छा आज की जो रेसिपीज़ बना रहे हैं पैसिफिक कुकिंग ऑयल के साथ, विटामिन ए और डी से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल, अपनों का प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल, उसके साथ नेस्ले का फुल क्रीम मिल्क, नेस्ले की फ्रेश क्रीम, नेस्ले योगर्ट, ठीक है, तीनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनका रायता भी बहुत अच्छा आता है, दो तरह का रायता आता है, एक ग्रीन आता है और एक ज़ीरे वाला रायता आता है। विम लिक्विड डिश वॉश है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, आप जब बर्तन धोते हैं तो बहुत अच्छा सा इसमें अरोमा सा आता है। और इसका प्रोसेस ये कि आप एक बॉल लें, उसमें पानी भरें, एक प्याली में एक टेबल स्पून आप विम लिक्विड डालें, ठीक है, उसको मिक्स करें और आप सारे एक टाइम के बर्तन आप धो सकती हैं। अॼु जी का रेसिपी ठाहियां पियो, चणा ठाहियां पियो फ्राई चना, ठीकु आहे। हिकिड़ी मां ॿ तरीक़े जी तव्हांखे चणा चाट ठाहिण सेखारी, अच्छी वारी, अने ब्लैक जी बि काफ़ी सारियूं बाक़ी आहिनि। फ्राई वाइट फ्राई चणा चाट ठहंदी, ठीकु आहे, अच्छे छोलनि में, ऐं सां गॾु दूध सोडा ठाहींदुसि, ड्रिंक आहे तमामु बहितरीन, जंहिंमें असां मिल्क पैक फ्रेश क्रीम यूज़ कंदासीं ऐं मिल्क पैक जो फुल क्रीम खीर भी यूज़ कंदासीं, ठीक आहे। आज की जो रेसिपीज़ बना रहे हैं उसमें है फ्राइड वाइट चना चाट है, ठीक है, ये बहुत ही मज़े की होती है। ये मेरी भाभी की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छी है, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसको आप फ्राई करेंगे मसालों को, चटपटे से फ्लेवर में आएंगी। उसके साथ हम बनाएंगे दूध सोडा ड्रिंक बनाएंगे, जिसमें हम नेस्ले यूज़ करेंगे, नेस्ले का फुल क्रीम मिल्क यूज़ करेंगे और नेस्ले के फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे, ठीक है। हिन लाइ असांखे चणा खपनि, हिकु पा बि खणी सघो था, अगरि घटि माण्हू आहियो त पोइ कप जे हिसाब सां चणा खणी वठिजो, अधु पा बि करे सघो था, ठीकु आहे। हिकु पा चणा बॉयल चङी तरह राति जो पिसाए रखिजो सॼी राति, पोइ मिठी सोडा विझी अधु चांहि जी चमची छोला बॉयल कजो, पाणी एतिरो विझंदा कयो कि छोला जेके आहिनि चणा इहे बॉयल थी वञनि। बॉयल करण खां पोइ जो पाणी फिटो न कंदा कयो, पाणी में सॼी हिन जी ताक़त निकिरी वेंदी आहे, पाणी हिन जो खुश्क करे छॾंदा कयो, ठीकु आहे। इहे चणा आहिनि बॉयल, सफ़ेद चने एक पाव बॉयल पूरी राति भिगोने के बाद आधा चाय के चम्मच से कम थोड़ी सोडा डाल के इसको बॉयल करें, और पानी इतना रखा करें कि पानी में ये पानी खुश्क हो जाए, जब चने गल जाएं, पानी फेंका नहीं करें, ठीक है, इसका फ्लेवर सारा निकल जाता है। और इसमें हम प्याज डालेंगे, दो अदद छोटी प्याज ऑमलेट की तरह चॉप की हुई, ॿ अदद नंढी बसर आहिनि, नंढियूं गंढ आहिनि ऑमलेट वांगुरु चॉप थियल, ॿ अदद टमाटा वेंदा, सावा धाणा, पुदिनो, सावा मिर्च, अछो ज़ीरो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, लूणु, चाट मसालो, गिदामड़ी जो पेस्ट, ठीक है, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, इमली का पल्प हाफ कप जाएगा, दो टमाटर, दो प्याज ऑमलेट की तरह चॉप किए हुए, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च जाएगी, और पैसिफिक कुकिंग ऑयल आधा कप से थोड़ा सा कम लेंगे, ठीक है, आधा कप से भी दो कम चम्मच कम लीजिएगा। जी कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फैसल भाई आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं ज़ारा ज़ुबैरी बोल रही हूँ, कराची से। जी कुछ कहना चाहेंगी?
जी भाई, असल में मैं आपका प्रोग्राम पिछले साल ही मैंने बहुत गौर से, बहुत शौक से देखा था जी। इस साल इत्तेफाक से आप 4 बजे आते हैं तो हमारी लाइट चली जाती है, लेकिन आज किस्मत मेहरबान थी, अभी लाइट हैगी तो मैंने नंबर नोट कर लिया आपका। हाँ अच्छा किया, नंबर असल में नंबर भी चेंज हो गया ना हमारा, 2-3 महीने हो गए, 2 महीने। जी मैंने उसके नंबर पुराने नंबर पे कॉल करी थी तो वो ये कहने लगे कि वो नंबर नहीं है, आप दूसरा नंबर है तो वो आप टीवी से ही लीजिएगा। ठीक है, नंबर चेंज हो गया बिल्कुल, और स्क्रीन पे भी मैंने डाल दिया, सॉरी पेज पे भी मैंने डाल दिया नंबर अपना, तो आप वहाँ से भी मिस हो जाए तो वहाँ से भी ले सकती है। कुछ कहना चाहेंगी, फरमाइश है? जी मैं फरमाइश तो खैर आप माशाल्लाह से सारी ही पूरी कर देते हैं, शुक्रिया। और कोई सवाल नहीं है? हाँ, सवाल नहीं है इस साल, सवाल नहीं है। नहीं जी, वो क्योंकि कंपनी की तरफ से आते हैं ना, चैनल की तरफ से नहीं आते, तो पैसिफिक का लास्ट ईयर जो था उसमें क्वेश्चंस थे, गिफ्ट से इस दफा नहीं है। ठीक है, अच्छा हिते छाकंदासी पेरी जी ठंडी चटनी, ठीक है, जो मैं मसालों फ्राई थी, तो पहले इसकी बनेगी चटनी, जिसमें हम लेंगे 1/2 कट्ठी पुदीना चॉप कर लें अच्छी तरह धोने के बाद, ठीक है, ये धोता लाए तो धोए छो पेरी 1/2 कट्ठी पुदनो, ठीक है, कट्टे विझी छो, 1/2 कट्ठी सावा धाना, 1/2 कट्ठी हरा धनिया चॉप करके डालेंगे, ठीक है, 1/2 कट्ठी पुदीना, 1/2 कट्ठी हरा धनिया चॉप करके जूसर ब्लेंडर में डाल दें, 2 अदद सावा मिर्च, ठीक है, 2 अदद हरी मिर्च, इस तरह 2 अदद हरी मिर्च चली जाएगी इसमें, ठीक है। अच्छा इनमें वेंदो 1 खाइण जो चमचो अछो जीरो, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, नमक 1/2 चाय का चम्मच, लून 1/2 चाय जो चमचो, ठीक है, 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच डाल दिया, इमली का पल्प गाढ़ा पेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, थोड़ा इसमें पानी डालूंगा, ठीक है, इमली जो पेस्ट घाटो होजन कपे 1/2 कप, थोड़ा मैं पानी भी जापे वी घाटो है, ठीक है, 1/2 कप इमली का पल्प इसमें जाएगा, ये डाल के हमने चटनी बना लेनी है, अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 चमचा इनमें पानी विझी सकोगा, ठीक है, 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, लेकिन गाढ़ी होनी चाहिए चटनी, ठीक है, ये चटनी ठंडी, 1/2 कट्ठी सावा धाणा, 1/2 कट्ठी पुदनो, 2 अदद सावा मिर्च, ठीक है, 1/2 कट्ठी सावा धाणा, 1/2 कट्ठी पुदनो, 2 अदद सावा मिर्च, अछो जीरो 1 खाइण जो चमचो या 2 चाय जो चमचा कह छो, ठीक है, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, लूण 1/2 चाय जो चमचो, ठीक है, यो विधो, इनमें गिदामड़ी जो पेस्ट वो 1/2 कप, अगर वधिक घाटो है तो थोड़ा पानी मिलाई करजो, लेकिन घाटो होजन खपे पेस्ट, ठीक है। यह चटनी तैयार थी वही, चटनी का तरीका दोबारा बता रहा हूँ, 1/2 कट्ठी हरा धनिया, 1/2 कट्ठी पुदीना, कॉल बैठूँ तो फेरी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, हेलो, मुझे चॉकलेट जूस बनाना सिखाएंगे? किस चीज का जूस? आप पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें या फिर दूसरे रूम में जाके बात करें, अपनी आवाज़ सुन के बात ना किया करें क्योंकि लाइन डिस्टर्ब होती है, ठीक है। हेलो, ओके, देखिए लाइन ड्रॉप हो जाती है इस वजह से, हमेशा जब भी कॉल करें तो आप लोग या तो दूसरे रूम में जाके बात किया करें, अपनी आवाज़ सुनने के लिए कॉल ना किया करें प्लीज़, क्योंकि लाइन डिस्टर्ब होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा इतने टमाटर भी ऑमलेट वगैरह चॉप करनासी, ठीक है, इस तरह स्लाइस करके, टमाटर भी बहुत ही ड्राई है, टमाटर नरम होना चाहिए थोड़ा, बहुत ही ये खुश्क है। खैर, 1 टमाटर हम इसमें डालेंगे, 1 टमाटर हम गार्निशिंग में डालेंगे, ठीक है, 2 टमाटर चाहिए, 2 प्याज चाहिए, प्याज छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं, अगर एक बड़ा है तो 1 ही रखिएगा, बसर वडो है तो 1 रखो, नंढा है तो 2 खणजो, ठीक है, 1 कप बसर होजन खपे ऑमलेट वगैरह चॉप थियल, उन्हीं क्वांटिटी में टमाटो, ठीक है, बिल्कुल आसान है ये रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तरह स्ट्रिप्स बना दें इजीली, फिर इसके जुलियन कटिंग कर दें, ठीक है, ये हो गया टमाटर। हाँ कहंदी कढ़ाई खड़ी या पतीलो, जो तुम हुए कढ़ाई लेने या पतीला, कि इसमें डालेंगे पैसिफिक कुकिंग ऑयल,
हाफ कप से थोड़ा कम, एक टेबल स्पून कम कर लीजिएगा, ठीक है। हाफ कप से एक टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना होना चाहिए। ड्राई कर लें, पानी ना हो बिल्कुल। कॉल बटूँ था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी, हेलो, मेहरबानी को फरमाइश है तां जी। बिरयानी खाए, हाँ वीह रोज़े खां पोइ बिरयानी ठाहींदसि, ॿ टे क़िस्म जी बिरयानियूं आहिनि, ईद जे करे त वीह रोज़ो गुज़री वञे ख़ैर सां, इनशाला ठाहींदासीं, ठीकु आहे। ओके जी, महिरबानी, अलाह हाफ़िज़। अच्छा, हिते असां ऑयल गरम कयो, ब्रेक जो टाइम थियो, मां चुल्हो बंदि कयां पियो, प्रोसेस ब्रेक खां पोइ कंदासीं, ठीकु आहे। ब्रेक का टाइम हो रहियो, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको चणनि जी चाट ठहे पई, फ्राई चणा चाट, हुन जे लाइ जेके शयूं कटियूं हुयूं उनमें सावा धाणा, सावा मिर्च, फूदनो, टमाटा ऐं बसर, ठीकु आहे। ऐं चटणी जेका ठाही हुई, अधु कटी सावा धाणा, अधु कटी फूदनो, ॿ अदद सावा मिर्च, हिकु खाइण जो चमचो अछो ज़ीरो, हिकु चांहि जो चमचो कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, अधु चांहि जो चमचो लूणु, ऐं गिदामड़ी जो पेस्ट अधु कप, थोरो ॿ खां टे चमचा पाणी विझी हिनखे ब्लेंड करे छॾियो। चटणी हिते तयारु थी वई आहे। ऐं मसाला आहिनि हिते ऑयल पैसिफिक खयो असां, कुकिंग ऑयल, वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर, कोलेस्ट्रोल खे कंदो आहे कंट्रोल, पंहिंजनि जो प्यार, पैसिफिक कुकिंग ऑयल। ऑयल जीअं असांजो गरम थींदो, ठीकु आहे, अधु प्याली खणिजो, हुन मां हिकु चमचो घटि करे छॾियो, ठीकु आहे। अधु प्याली पैसिफिक कुकिंग ऑयल लिया, उसमें से एक टेबल स्पून या दो टेबल स्पून थोड़ा कम कर दें, बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो। यहाँ पे दो अदद ऑमलेट की तरफ चॉप किए हुए टमाटर हैं, दो अदद प्याज हैं या छोटे या एक बड़ा प्याज, हरी मिर्च दो अदद चॉप कर लें, हरा धनिया पुदीना हाफ कप जितना चॉप लास्ट में डालने के लिए। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदा गेरा नहीं, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। खिलो चो प्यारी, कहता है क्या चुप है, खाओ जा जी, क्या चुप है, खाओ। चाट बट आया पहली, ता हन कमरे का बाहर निकलो जिते टीवी रखेल है, ता जी आवाज डबल पे अचे मुखे। जी जी, अदा गट दा के जे कुछ चाहिए चाहिंदो। हेलो जी जी, कोई फरमाइश है, कुछ चाहिए चाहिंदो। अदा यो कोफ्ता दिखार जो। हां, कोफ्ता मुखे ठाइना है, ईद का पहरी इंशाल्लाह जरूर ठाइंदासी, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इनमें एक चाय जो चमचो अछो ज़ीरो विझंदासीं, ठीक है। एक से डेढ़ चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला, ऑयल गरम किया, ठीक है। ज़ीरे जो दाग ठहंदो, पोइ जेका चटणी ठाही आहे, चटनी मैंने कैसे बनाई, आधा घटी हरा धनिया, आधा घटी पुदीना, दो अदद हरी मिर्च, ठीक है, इसमें डाल दें। उसके बाद एक खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, एक चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, नमक आधा चाय का चम्मच डाल के, और इमली का पेस्ट गाढ़ा थोड़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना, वो आपने इसमें हाफ कप डालना है। एक से दो टेबल स्पून चम्मच पानी डालना होगा अगर आपको लगे कि पीसने में मसला हो रहा है, ठीक है। ऑयल गरम किया, ज़ीरे का भगार बना, ये चटनी हम इसमें डाल देंगे। ऑयल गरम करो, ज़ीरे जो दाग ठहंदो, ज़ीरे जो दाग ठहण खां पोइ चटणी में विझी थोड़ा ॿ मिंट पचाए दो, ताकि कचोपन चटणी जो ख़त्मु थिए, ऐं थोरो हिन में पाणी विझूं था, ताकि जेको हिन में मसालो रहिजी वियो आहे, बिल्कुलु थोरा सा पाणी डाल के जो मसाला जूसर में रह जाए वो आपने निकाल देना है, ठीक है। ये निकालने के बाद हमने क्या करना है, इसको पकाना है दो मिनट, ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, ये कच्चापन ख़त्म हो। अब हमने दो मिनट पकाने के बाद इसमें छोले डाल देने बॉयल, ठीक है। इनके ॿ मिनट पचाईंदासी, तेज़ बाहे थे चटणी के, ज़बरदस्त इनकी खुशबू अचे पई। इस तरह इसको दो मिनट पकाते रहें, ताकि इसका पानी थोड़ा ड्राई होने लगे जो चटनी का है, और ऑयल ऊपर आने लगे, बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। जब इन जो ऑयल मथे चढ़ लगे चटनी में, बबल्स ठहन पे, इनमें एक पाप बॉयल चणा अच्छा विझ छॾिजो। अच्छा, कारा चणा भी सेम तरीके से ठाही सको था, लेकिन वाइट चणन जो वधीक सुठो ईंदो आहे फ्लेवर, ठीक है। काले चने भी डाल सकती हैं बॉयल के साथ, और इसमें सफ़ेद के अलावा, ठीक है। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा छा थी वियो सभिनीनि खे। अच्छा, हिते चणनि खे थोरो पचाईंदासीं, ठीकु आहे। तीन चारि मिनट मज़ीद पकाना है, ठीक है। चनो को तीन चारि मिनट तक इस तरह पकाते रहें, चटनी में पकेंगे, इसमें फ्लेवर आएगा, ठीक है। चणा हिते पचंदा थोरी देरि,
ये हटाई था, चलो लून मिर्च जीरो, चाट मसालों खाली रखना है, चाट मसाला भी जाएगा इसमें लास्ट में जब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। मत्था का आखिर में विझबो, इनके तेज़ भाई ते पचाइणो है 4-5 मिनट ताई चढ़न के चटनी सा, ठीक है। चटनी खुश्क थी वी अंदर मिक्स थी वी, ठीक है। चटनी इसमें ड्राई हो जाएगी पकाते पकाते, और फिर क्या करेंगे, इसमें हमने डाल देना है प्याज टमाटर और थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के इसको दम पे रखेंगे 3 से 4 मिनट, ठीक है। फिर उसको निकाल के फिर हमने चाट मसाले से इसको गार्निश कर लिया। तेज़ भाई थे पचाई दो सुठी चाट ठंडी, ज़रूर इनके ट्राई कजो, ठीक है। चणन जी चाट है डिफरेंट किस्म का ठाया तो, आई कारा चना भी अगर ठाओ अच्छा। नेस्ले आए सा अगर फुल क्रीम मिल्क आए मिल्क पैक नेस्ले, ठीक है। उन सा अगर फ्रेश क्रीम आए जो मैं मिठे में विझन आया, काफ़ी सारी ड्रिंक्स चाहिए उनमें भी विझा आयो। दही आए दही तमाम बेहतरीन नेस्ले जी मिले थी, खट्टी भी नी उठे यो वो। उन सा अगर विम आए विम जो लिक्विड ठीक है, विम हे बॉटल्स में मिलन पी नंढी वही है, ये रिफिल आए इनो साबुन जी स्टिक भी मिली थी वने। इनो तरीक़ेकार है कि प्याली में पानी भरो एक खंड के चमचो मिक्स कर उन में सजा ताजा थान धोप जी वा एक टाइम जहाँ, ठीक है। तो पूरे महीनों हली थी वे इनके ऐसा चंगी तरह चटनी को हमने अच्छी तरह भूनना है ताकि ड्राई होने लगे तेज़ आंच पे, ठीक है। ये ड्राई हो रही है और इसके बाद हम ड्रिंक बनाएंगे, दूध सोडा आइसक्रीम सोडा ग्रीन कलर की जो बॉटल होती है आइसक्रीम सोडा उसके साथ हम बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम मिल्क पैक नेस्ले का लेंगे, फ्रेश क्रीम नेस्ले की लेंगे, ये डालेंगे, चीनी जाएगी और बर्फ़ जाएगी और आइसक्रीम सोडा ड्रिंक जाएगी ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। वो ज़बरदस्त आए सोडा ड्रिंक आए या तो सहरी का पो अफ्तारी का पो तमाम बेहतरीन एसिडिटी थे थी ताकि बदहजमी थे उन लाई तमाम बेहतरीन दूध सोडा खासकर एसिडिटी जला जलन थे थी सीने में। अच्छा ये ऐसो हाँ चटनी असाई थे ड्राई थे पे, ठीक है। चटनी ड्राई हो रही, हम इसमें डालेंगे 1/2 कप प्याज ऑमलेट, आधा प्याज डाल देंगे ऑमलेट की चॉप किया हुआ, आधा हम टमाटर इसमें डाल देंगे, ठीक है। आधा टमाटर डाल दिया और हरी मिर्च 2 अदद चॉप की भी डाल दी इसमें, 2 अदद सावा मिर्च चॉप कयल विधा, ठीक है। इनके मिक्स कंदासी, आधा एक टमाटर समझे डाल दिए, 2 थे ना, 1 टमाटर ऑमलेट की तरह चॉप करके डाल दिया और 1/2 कप जितना प्याज 2 प्याज दरमियाने साइज़ के लिए थे छोटे वो डाल दिया। इसको मिक्स करें 2 अदद हरी मिर्च डाल के, ठीक है। अब इसको 3 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे, उसके बाद इसको डिश आउट कर देंगे चाट मसाला डाल के। ट्रे में इनके रखंदी दम से, ठीक है। 3 मिनट दम पे रखेंगे। कल मैं लच्छा पराठा ठाने सिखारे हो आई ज़रूर तुम ठाए हों, पेज से भी पोस्ट कर छो आई, बिल्कुल ईजी है। काफ़ी अर्से का उनकी आई पे फरमाइश लेकिन तमाम ईजी है, ठीक है। ये ठाए जो लच्छा पराठा तमाम बेहतरीन चाय से गड भी सहरी में भी तुम ठाई खाई सको दही से गड, ठीक है। बे अंडो ठाई वो कें भी शे से खाई सो शामी कबाब से भी। कॉल वो अलैकुम कितना गल पाया जी, केड़ा हाल है, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक अती, ता बतायो क्या हाल है जी? असा ठीक हो जी, असा दा मोहम्मद खान मा बेदल है, टंडो मोहम्मद खान मा गलाया पया जी। जी को फरमाइश है ता जी, असी तवा दे चेहरा दिसु पया ज्यादा सच्चा पे लगन, हां लेकिन ठाए जो भी जरूर जी जी ठाइंदा सी, अज ते लाज़मी ठाइंदा सी, अज ही ठाइंदो, अज ठाइंदा सी चणा बॉयल, चणा हैया री रद्दा रखी आया जो। हेलो ठीक है, जरूर ठाए जो, को फरमाइश है ता बताए जो जी। जी असी बिरयानी तवा सगे टाइम से खाई, बिरयानी अदी 20 रोजा इंशाल्लाह खैर सा गुजरन ता पो इंशाल्लाह जरूर बटे किस्म जी बिरयानी खाई। जो को गिफ्ट वगैरह असा जला गिफ्ट कोन है दफे, ठीक है। गिफ्ट जला चो ता दमादम सिंध में चियो नो ते गिफ्ट खोड़ है, ठीक है। असा के को नौकरी तवा जा रहे हो न? हेलो ठीक है ओके। अच्छा इसको 2 से 3 मिनट हमने कवर कर देना, ठीक है, बस ज्यादा नहीं करना फिर वो बहुत ज्यादा नरम हो जाएंगे। फिर चूल्हा तेज कर दें, अगर पानी छोड़ा हुआ हो टमाटर ने प्याज ने फिर चूल्हा तेज़ कर दें, ठीक है। बखर ट्रीटमेंट कवर करने जो मकसद हो कि टमाटर थोड़ा नरम थी होने इनमें फ्लेवर अच्छी होने, ठीक है। ये देखें अब ये ड्राई हो जाएगा, फिर चूल्हा तेज़ कर दें इसके बाद, ठीक है। चने अच्छे गले हुए होने चाहिए, वरी चूल्हो तेज़ कर छो, बखर ट्रीटमेंट मान के दम से रखियो छाण तो जो टमाटो और बसर है वो पाँच पानी छड़न नरम थी वा उन चूल्हो तेज़ कंदी ये चटनी बिल्कुल उनमें खुश्क थी वी, ठीक है। हाँ जो पानी ड्राई थी इनके कढ़ी था अकड़े प्याले में इस तरह एक बॉल में निकाल दें, ठीक है। बॉल में निकालने के बाद इसको सेट करें, ठीक है। बहुत ही मज़े की है चाट है, इसको आपने सेट कर देना। इनका पुंज मत्था छा जाता कटी हुई प्याज हाथ में ज़रूरत,
ठीक है, चॉप ऑमलेट की तरह प्याज इसके ऊपर और जाएगी, और उसके साथ हम इसमें टमाटर ऑमलेट की तरह लगे भी बेहो खामोशी का ठीक है, ऑमलेट आकर ये चॉप कर दिया। अब हरा धनिया पुदीना सावा धाना पुदनो साइड्स में विजिता चलूँगी, ठीक है, सावा धाना पुदनो इस तरह आपने साइड में हरा धनिया पुदीना चॉप करके डाल दें, बीच में ना डालें फिर बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। हे करण का पो आखिर में चाट मसालो आधा चाय का चम्मच या एक चाय का चम्मच आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना चटपटा करना चाहें, ठीक है। चाट मसालो पांजी मर्जी से तुम विझो जितो तक सुनो लगे, अध चाय जो चमचो कर छो, अगर स्पाइसी करो तो एक चाय जो चमचो चाट मसाला आखिर में ऊपर से इस तरह हाथ से डाल दें जितना आपको अच्छा चलो, ठीक है, ये हो गई ठीक है। ये असाजी थी भाई रेसिपी तैयार फ्राइड चना चाट, ठीक है, ये फ्राइड चना चाट तैयार हो गई। इसके बाद हम देखते हैं मैसेजेस और फिर आते हैं ड्रिंक्स में, ठीक है। रात को 2 बजे रिपीट चलता है प्रोग्राम मेरा, अगर और नया नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हाँ ठाईदा सी ड्रिंक ज़बरदस्त खाला बर्फ़ दे थे मुझे, बल्कि ड्रिंक ब्रेकअप उठाइंदा सी, ठीक है, जैसे तो हैं दिसो मां मैसेजेस दिसा तो इनजी रेसिपी में बार बार रिपीट कराई है, ठीक है। अच्छा ब्रेक जो टाइम थी एक शॉर्ट ब्रेक वट हूँ ब्रेक का पोची तुम सामू ठाइंदा सी जबरदस्त ड्रिंक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक थियण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठाही उहो कंप्लीट थी वई आहे, फ्राइड चणा चाट पैसिफिक कुकिंग ऑइल सां ठहनि पिया खाधा, वाइटमिन ए इंडिका भरपूर, कोलेस्ट्रोल खे कंदो आहे कंट्रोल, पंहिंजनि जो प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑइल, नेस्ले आहे, नेस्ले जो फुल क्रीम मिल्क, नेस्ले जी फ्रेश क्रीम, नेस्ले जी दही तमामु बहितरीन हर जॻह अवेलेबल आहे, ऐं विम आहे, विम लिक्विड आहे सोप जेको असां थां धोईंदा आहियूं, त इहो ज़रूरु वठिजो। अॼु हाणे जेका रेसिपी ठाहियूं पिया मिठो ठाहींदासीं, सॉरी ड्रिंक ठाहींदासीं दूध सोडा इनके चाहबो है, इन लिए असके आइसक्रीम सोडा की एक बोतल खपे, 500 ml वाली बर्फ़ खपे हसबे जरूरत, एक कप खंड खपे तकरीबन 6 खाने जा चमचा, और फ्रेश क्रीम असं खणंदासीं नेस्ले जी हितां का, ठीक है, और ये असं खणंदासीं मिल्क पैक एक पाव, ठीक है। फ्रेश क्रीम यहाँ से लेंगे हाफ पैकेट ले लें, एक अदद मिल्क पैक ले लें पाव वाला, और आइसक्रीम सोडा की बोतल ले लें ग्रीन कलर में, ठीक है, ये 500 ml वाली है, ये जितनी आपको हसबे जरूरत आप डाल सकती हैं डालें, ठीक है, पूरी डाल दें जी हाँ। और बर्फ़ हम डालेंगे इसमें एक कप, और उसके साथ हमने क्या डालना है इसमें चीनी डालनी है, चीनी 6 खाने के चम्मच, इसको ब्लेंड करेंगे ऐं ज़बरदस्त ऐं मैसेजेस काफ़ी सारा अचन पे तो रिप्लाई भी करूँ था उनको, ठीक है, मैसेजेस जो मैं ड्रिंक ठाई वेठा वो तुझे मैसेजेस पढ़ता। अब हम बनाएंगे ड्रिंक, ठीक है, ये खोले तो वो फ्रेश क्रीम नेस्ले जी, ठीक है, जो तुम हमेशा पुछंदा आयो फ्रेश क्रीम केड़ी यूज कंदा आयो नेस्ले जी वठो, खीर नेस्ले जो फुल क्रीम मिल्क, अच्छा खीर में एक पा खणा पियो तुम मथे भी खणी सको था डेढ़ पा, ये एक गिलास ठही वेंदो आ तुम गिलास भी खणी सको था डेढ़ गिलास भी खणी सको था, ठीक है, कैंची का रखी हाला तो बिल्कुल नहीं खुल रहा मुझसे। अच्छा हाने छ कंदासी उप हाने खणंदासी जूसर जो ब्लेंडर जग, ठीक है, इसमें हम डालेंगे एक पाव पूरा मिल्क पैक, कैंची ढूंढ के दे मुझे इस तरह मुझसे नहीं खुल रही है, एक पाव मिल्क पैक पूरा पैकेट छा के कैंची ना गोले दी रखन दी ना है ना शे लगे, एक पाव मिल्क पैक खीर, ठीक है, ऐं फ्रेश क्रीम जो अधु पैकेट, ठीकु आहे, एक पाव दूध आधा पैकेट फ्रेश क्रीम नेस्ले की, ठीक है, इसमें हम डालेंगे 6 खाने के चम्मच चीनी, 5 से 6 कर दें, ठीक है, ये डाल दिया, और इसके साथ बर्फ़ क्यूब्स डालेंगे 1 कप जितने, ठीक है, बर्फ़ जना से 1 कप जितनी 1 कप क्यूब्स डाल दें, ठंडा पानी नहीं डालिएगा, ठीक है, बर्फ़ ही डलेगी इसमें,
ये करने के बाद इसको हम करेंगे ब्लेंड अच्छी तरह। चंगी तरह इनके ब्लेंड कर दो। ज़बरदस्त ही ड्रिंक है, ज़रूर इनके ठाई जो हाजमे ला तमाम बेहतरीन आप पाँच लगे। ठीक है, एसिडिटी होती है इसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, हाफ पैकेट फ्रेश क्रीम नेस्ले की, ठीक है, एक पाव दूध का पैकेट फुल क्रीम मिल्क पैक, और 4 से 6 खाने के चम्मच चीनी, ये सब चीज़ें डाल के आपने ब्लेंड कर देना। ठीक है, कॉल बटन का अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप क्या प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और ये कि मैंने अभी फौरन ट्राई करा, फौरन ही मिल गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। क्या कह रही हैं? मैंने कहा अभी फौरन ही ना ट्राई करा, अभी मैंने फौरन मिल गई कॉल आपकी। चले अच्छी बात है, आप किस शहर से बात कर रही हैं, कौन से सिटी से? जी मैं बात कर रही हूँ कराची से। जी कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, आपके जो रेसिपी से बहुत अच्छी होती है जी, और ना मैं आपकी एक थी रेसिपी वो मिस हो गई, भिंडी थी फ्राई भिंडी। मुझे असल में आपकी आवाज़ ना कट कट के बहुत आ रही है, अगेन प्लीज बताइएगा। मैं ये कह रही हूँ आपकी एक डिश थी भिंडी, बहुत ही भिंडी होती है ना फ्राई भिंडी आपने बनाई थी, भिंडी जी तो वो जी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो मेरे से मिस हो गया। अच्छा, आप अगर फेसबुक यूज करती हैं तो मेरा पेज है कुकिंग विद शेफ फैसल, वहाँ पे वो अपलोड है, आप वहाँ पे फोटोज में जाके सर्च कर लेंगी ना, फोटोज से आपको पता चल जाएगा कौन सी रेसिपी, तो आप क्लिक करेंगे पूरी रेसिपी खुल जाएगी। अच्छा जी, अच्छा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अच्छी करते हैं बहुत कुकिंग है आप, बहुत आपके और आपके जितने स्टाफ है आपको मैं सलाम, रमजान मुबारक। खैर मुबारक आपको भी मुबारक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ओके। अच्छा, अब इसको जग में डाला, ठीक है, उनके जग में भेजी वो है असा बोतल भेजंदासी जंदा। ठीक है, जग में डालने के बाद ये 500 ml है पूरा, आप इसमें डाल दें। ठीक है, ये डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है, बहुत मज़े का बनेगा। इसमें बर्फ़ ज़रूर होनी चाहिए, ठंडा होना चाहिए, और ये हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, एसिडिटी थी थी अफ्तारी का पो यो तापी सब होता आए हाजमे लभी तमाम बेहतरीन आए, ज़बरदस्त जो फ्लेवर हों, क्योंकि फ्रेश क्रीम असान में भी दिया मिल्क पैक जी नेस्ले जी। अब हम इसे निकालेंगे ग्लास में, दूध सोडा ये हो गया। ठीक है, असि रेसिपी दूध सोडा, ठीक है, ये दोनों रेसिपीज आपके सामने, दूध सोडा इसी तरह आपने बनाना है। ठीक है, फिर थी वो हाँ मैसेज दूँगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, एक पाक खीर, अद्ध पैकेट फ्रेश क्रीम, 4 खां 6 खाने का चमचा खंड विझी ब्लेंड कर, चंगी तरह जूसर मशीन में 2 मिंट का जग में कटी छो, उनमें आइसक्रीम सोडा की बोतल भी छो 500 ml वाली। ठीक है, इनके मिक्स करी, हाँ बर्फ़ भी विझो। ठीक है, ब्लेंड करने मार 1 कप बर्फ़ भी, 1 कप बर्फ़ थी ब्लेंड करते वक्त डाली थी। ठीक है, 1 पाव दूध था, हाँ काफ़ी सारा है। अच्छा, मैसेजेस आए हैं सोनू निगम, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आज की रेसिपी बहुत अच्छी है, आज तो बहुत भूख लग रही है, रोज़ा नहीं है क्या, प्लेट से कर दें। ठीक है, जाहिद हुसैन है, सलाम भा, तमाम ज़बरदस्त रेसिपी है, थैंक यू। अच्छा, सिराज शेख, मैं आपका फ़ैन हूँ भाई, थैंक यू सिराज शेख। अच्छा, बुशरा जहांगीर, अच्छा बुशरा जहांगीर, सलाम भाई, आज की रेसिपी बहुत अच्छी है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, थैंक यू, और वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ये दोनों रेसिपीज़ आप ट्राई कीजिएगा, कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहाँ पे रेसिपीज़ अपलोड हो जाती हैं, और वहाँ पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, कोई रेसिपी चाहिए होती है फ़ोटोज़ के फोल्डर में जाएं, उसमें आप सर्च करें, ठीक है, जहाँ 700 कुछ फ़ोटोज़ हैं वहाँ जाएं, वहाँ आपको इजीली मिल जाएंगी, और जो 1500 वाली रेसिपीज़ हैं वो पुरानी रेसिपीज़ हैं। ठीक है, ऊपर वाले फोल्डर में जाएं, उसको क्लिक करें, सारी रेसिपी खुल जाएंगी, जो आपको चाहिए होती है उसको क्लिक करें, पूरी रेसिपी की मेथड खुल जाता है। ठीक है, और रात को 2 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज, वहाँ रेसिपी अपलोड होगी, और अगर वीडियो देखना चाहती हैं सिंध टीवी HD अवतार विद फैसल, सिंध टीवी HD अवतार विद फैसल, सिंध टीवी HD मेरा है
आप वीडियो देखना चाहती हैं यूट्यूब पे आप सर्च कर सकती हैं, ठीक है। राजो बी वगैरह रिपीट हल जी राजो बी वगैरह रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ फैसल मुंहिंजो पेज आहे, उते रेसिपी अपलोड थींदी। का बि शइ सम्झ नथी अचे उते मूंखां मैसेज करे इनबॉक्स में पुछी सघो था, मां तव्हांखे ॿुधाए छॾंदुमि, ठीकु आहे। ऐं हुनजे अलावा वीडियो ॾिसणु चाहियो था अवतार विद फैसल सिंध टीवी एच डी, ठीकु आहे, हुते सर्च कंदो यूट्यूब ते मुंहिंजी पूरी वीडियो मिली वेंदी। ऐं असांजो पेज आहे फेसबुक ते सिंध टीवी एच डी, उहो लाइक कंदो त उते तमामु प्रोग्राम्स जीअं तव्हांखे प्रोमो ऐं टाइमिंग सभु कुझु मिली वेंदो, ठीकु आहे। ऐं तमामु सॼा प्रोमो जेके प्रोग्राम्स आहिनि लाइव ट्रांसमिशन जा दमादम जा सभु उते तव्हांखे मिली वेंदा। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, दुआनि में यादि रखिजो। सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी, तेसि ताईं अलाह हाफ़िज़। मिलता है हंसने से खिलता है।